Hi guys, welcome in another episode in channel of Stock Market Investing. Welcome guys, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करें हम ज़ेरोधा के बारे में, जिसमें ज़्यादातर लोगों का अकाउंट है। तो उसमें एक 60 डेज का चैलेंज होता है जो कि आप अचीव करते हैं वर्किंग डेज में, जिसमें कि हम लोग ट्रेड करते हैं या नहीं भी करते हैं या डिलीवरी में लेकर रखे हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने विन किया था और आपको मैंने शेयर भी किया था। दोबारा मैंने उसी समय आपको बोला था कि मैं दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ और फिर से मैंने विन किया था। टाइम नहीं मिला, 8 अक्टूबर को ही मैं लगभग जीत चुका हूँ उसमें। दोबारा से आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाले सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पे या किसी भी ब्राउज़र पे जाएंगे, या फिर आप अपने काइट पे भी जा सकते हैं, वहाँ से आपको कंसोल पे जाना है। मैं डाल देता हूँ ज़ेरोधा कंसोल। ज़ेरोधा कंसोल पे जाकर सबसे पहले मैं लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के लिए काइट से ही लॉगिन करना है, तो काइट से मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आईडी पासवर्ड मांगेगा, आईडी आप डाल सकते हैं, पासवर्ड मेरा है ही। इसके बाद मैंने TOTP, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये कुछ स्टॉक्स के लिए मांगता है, तो वो मैंने कर रखा है। तो मेरे मोबाइल पर जो गूगल मुझे देता है उस पर ऑथेंटिकेटर पर ये मिल जाएगा। आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं उसके बारे में भी। तो अब मैं यहाँ पर वो डाल देता हूँ और ये मैं लॉगिन हो जाता हूँ। फ्रेंड्स, ये जैसे ही कंसोल पे हम लॉगिन हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे इक्विटी का देखिए, यहाँ मेरा नाम दे रहा है रितेश इक्विटी। आपका ये अकाउंट बैलेंस है जो भी होल्डिंग्स का है 275,000 दिखा रहा है, बाकी जो भी फ्री कैश है नीचे दिखा रहा है 2.80 रुपये मात्र। खैर, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो सब अलग बात है, आपकी क्वेरी होगी तो वो मैं दिखा दूँगा। मेरी होल्डिंग्स भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, देर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर दैट। बट हम लोग बात कर रहे हैं ज़ेरोधा 60 डेज चैलेंज के बारे में। इसको कैसे चेक करना है और कैसे लेते हैं, दोनों ही बातें आज हम करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में ये पार्ट 2 है और उसमें हम विन किए थे और उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं, रिपोर्ट्स पे जाएं सबसे पहले और नीचे क्लिक करें। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ ना कुछ काम का आपको हमारे पास ज़रूर मिलेगा। 60 डेज चैलेंज पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर खुल कर आ जा रहा है। इनके टर्म्स कंडीशन को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहें आप तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसमें ज़ेरोधा 60 डेज चैलेंज के अलावा हम कुछ और टॉपिक्स पे भी बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल वो हमारा एडिशनल बोनस टिप्स होगा, उसके लिए भी आप वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहिए। अब हम नीचे आते हैं। स्टार्ट चैलेंज अगर अभी तक आपने ज़ेरोधा का चैलेंज कभी नहीं लिया है, जो 60 डेज का 60 दिनों का होता है, तो आप स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करके तुरंत ही ले सकते हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे पहले जो मैंने लिया हुआ था वो था 21/4/2020 से 15/7/2020 लास्ट ड्यू डेट था। उस समय तक मुझे प्रॉफिट में रहना था ताकि मैं ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकूं। नेट प्रॉफिट हुआ था हमारा, राइट साइड देखिए 25,006 रुपये का लगभग, वो हम जीत चुके थे। ये प्रॉफिट यहाँ पर लास्ट में आपको दिखा रहा है। इसके बाद दोबारा सेम डे जैसे ही मैंने विन किया, इसे अगले दिन फिर से मैंने 16/7/2020 को दोबारा से ज़ेरोधा 60 डेज चैलेंज को लिया, ये देखने के लिए और ये दिखाने के लिए कि क्या हर बार मैं प्रॉफिट करता हूँ। जी हाँ, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं इंट्राडे में डे ट्रेडिंग में कम ट्रेड करता हूँ। ज़्यादातर मैं ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और उसको उसमें कुछ स्टॉक्स अगर हमारे फंसते हैं तो कुछ थोड़ा सा और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम उसको होल्ड करके छोड़ देते हैं। तो सेकेंड टाइम का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 13,720 रुपये, जो कि प्रॉफिट हमारा बुक्ड है। तो ये प्रॉफिट जो बुक था ओवरऑल पे सारा कुछ करने के बाद, चाहे आपने जितना भी टैक्सेस पे किए, जितने भी ब्रोकरेजेस दिए, सारा काटने के बाद आपका ये प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोबारा से ये सर्टिफिकेट मैंने जीता। इसे डाउनलोड कहाँ से करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये शायद आपको ऐसे कहीं भी स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा, तो इसको आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेके आप चाहोगे, ये ब्लू कलर का देखो बन के आ जा रहा है 3 डॉट्स, ये ऑप्शन है।
ऑप्शंस पे क्लिक किया हमने, नीचे देखो व्यू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस आपको दिखा दिया पहले, तो अब हम डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाएंगे। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जैसे क्लिक किया ये डाउनलोड हो गया, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है, मैंने स्क्रीन को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी करके रखने का प्रयास किया है, रितेश सिंह विनर सर्टिफिकेट, रितेश सिंह, बाकी टर्म्स कंडीशंस ये लिख दिया कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं इंडिया में, जो कि आपने ट्रेड किया है, 60 डेज का चैलेंज आपने जीता है सेकेंड टाइम इक्विटी एंड एफएनओ में, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग इन ज़ेरोधा 60 डेज चैलेंज, डेट 8 अक्टूबर 2020, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट देता है। इसका क्या अभिप्राय है, क्या क्या फ़ायदे हैं ये आप सोच रहे होंगे, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका कॉन्फिडेंस ये बढ़ाता है। अगर आप बार बार जीतते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, आप डिसीजन मेकिंग में आपको ये हेल्प करता है और आप डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है ये, और बार बार आप सही डिसीजन लेते हो, आपको पता होता है कि आप ट्रेड लोगे, लास्ट में आज अगर आप लॉस ले भी लिए तो अगले ट्रेड में प्रॉफिट लोगे, ओवरऑल आप पूरे साल के एंड तक जाओगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि नया ट्रेडर आप कैसे, अगर पहली बार अगर ज़ेरोधा 60 डेज चैलेंज लेने जा रहे हैं तो कैसे करना है, ये आपके सामने स्टार्ट चैलेंज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपली। ठीक है, कुछ नहीं, सीधे ये आपका चैलेंज देखो एक्सेप्ट कर लिया, ये देखो ऊपर आप ग्रीन कलर का आ भी गया, चैलेंज सक्सेसफुली स्टार्टेड, यानी मैंने तीसरी बार चैलेंज ले लिया इनसे, और नीचे आपको डेट और आपका लास्ट टाइम भी देता रहेगा कितने दिन बाकी हैं। तो आप यहाँ पे देखो अभी तुरंत आपके सामने मैंने लाइव लिया है 23/12/2020, ये एंड डेट है 23/12/2020, और मैंने लिया कब, 24/10/2020 को, टोटल 60 दिनों का ये चैलेंज है। तो यहाँ पर आपका टोटल चार्जेस, यहाँ पर आपका क्रेडिट डेबिट सब करके लास्ट में प्रॉफिट आपका क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट पाते हो तो तीसरी बार भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक आपसे विनम्र निवेदन है, वो ये है कि कमेंट्स में आप बताइए किस तरह के वीडियो, स्ट्रैटेजी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या फिर आप कैंडल स्टिक्स, आखिर आप देखना क्या चाहते हैं, IPO के बारे में जानना चाहते हैं, न्यूज़ चैनल से रिलेटेड या न्यूज़ अपने स्टॉक के बारे में, उसकी वैल्यूएशन के बारे में, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए अधिक से अधिक अर्निंग करने में। थैंक यू सो मच।